Hi students, today in this video we go for the next part of the chapter number 9. The name of the chapter is Pinocchio. In the first part we saw that one old carpenter bought one piece of wood and the wood was very strange, and the carpenter heard a voice from that piece of wood, so he decided that he will make a puppet from that wood. And when he took a shape to the puppet, a boy, then he surprised to see that the puppet is moving. Puppet, it is like a real boy. So let's see that what happened next in the story. And here is the next page, page number 158. We start now. It did stop. It did stop means जो puppet boy था वो stop हो गया. But as soon as his back was turned, but जब भी carpenter his back, यानी carpenter अपनी जो back, अपनी पीठ उसने घुमाई, carpenter ने ऐसे back हुआ, it put out its tongue. जो पिनोकियो है उसने अपनी टंग जो है वो बाहर निकाल दी. एंड इट्स नोज ग्रू लॉन्ग, उसकी जो नाक है वो एकदम लंबी हो गई. किसकी? पिनोकियो की. नो सूनर वेर इट्स हैंड्स रेडी देन इट स्नैच्ड ऑफ द कारपेंटर्स विग एंड पुट इट ऑन इट्स ओन हैड. नो सूनर मीन्स जब तक उसके हाथ बन नहीं गए, वेर इट्स हैंड्स रेडी, जब तक उसके हाथ बन नहीं गए, फिर उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उसके हाथ तैयार हो गए, इट स्नैच्ड ऑफ द, स्नैच्ड मीन्स उसने छीना. क्या छीनी? कारपेंटर की विग. विग मीन्स जो डुप्लीकेट जो हेयर होते हैं, तो वो कारपेंटर का विग उसने छीना, ऐसे छीन लिया. एंड उसने अपनी जो उसकी जो विग है वो अपने हेड पे ऐसे पहन ली. एंड देन पिनोकियोस नोज ग्रू लॉन्गर, वापस उसकी जो नोज है वो बड़ी हो गई. क्योंकि जब भी पिनोकियो कोई रॉन्ग चीज़ करता था, जब भी कोई कारपेंटर को जब भी वो परेशान करता था, तब उसकी जो नोज है वो बहुत बड़ी हो जाती थी. नाउ वी सी द नेक्स्ट पैराग्राफ. व्हेन इट्स लेग्स एंड फीट वेयर मेड, लेग्स एंड फीट मीन्स उसके जो पैर और फीट मीन्स उसके जो पंजे वो बन गए, दे वेयर टू स्टिफ टू यूज़. वो जो स्टिफ मीन्स स्ट्रॉन्ग, वो जो उसके जो पैर जो लेग्स बन गए ना, वो बहुत स्ट्रांग थे यूज़ करने के लिए. सो द कारपेंटर शोड पिनोकियो हाउ टू यूज़ देम, तो कारपेंटर ने पिनोकियो को बताया कि उसका कैसे वो यूज़ करे लेग्स का. नाउ द कारपेंटर डिसाइडेड टू सेंड पिनोकियो टू स्कूल, अभी कारपेंटर ने क्या डिसाइड किया कि अब मैं पिनोकियो जो ये बॉय है पपेट उसको मैं स्कूल भेजूँगा. बट देयर पिनोकियो डिड नथिंग बट लुक फॉर फन, और स्कूल में पिनोकियो जो है वो कुछ नहीं करता था, सिर्फ मजाक आनंद ही करता था, मजाक मस्ती करता था. ही ऑफन रन अवे फ्रॉम दी स्कूल, वो स्कूल से बार बार भाग जाता था. वाई डोंट यू गो टू स्कूल, एंड दिस सेंटेंस वी कंप्लीट बाय द नेक्स्ट पेज. वाई डोंट यू गो टू स्कूल आस्क द कारपेंटर, कारपेंटर ने पिनोकियो से क्वेश्चन किया कि तू स्कूल क्यों नहीं जा रहा है, वाई. पिनोकियो टोल्ड हिम अ लाई, लाई मीन्स झूठ, पिनोकियो ने उससे झूठ कहा. एंड हिज नोज स्टार्टेड ग्रोइंग लॉन्गर एंड लॉन्गर, उसकी जो नाक है पिनोकियो की वो एकदम बड़ी होने लगी क्योंकि उसने झूठ बोला था. जब भी पिनोकियो कोई शरारत करता था या फिर कोई झूठ बोलता था, तब उसकी जो नाक है ना वो एकदम लंबी हो जाती थी. ईच टाइम ही वॉज रूड टू समवन और टोल्ड लाई, हिज नोज ग्रू लॉन्गर, जब भी वो किसी के साथ ऐसा रूड मीन्स खराब बिहेवियर करता था, तब और जब भी किसी के साथ वो झूठ बोलता था ना, तब उसकी नाक जो है वो एकदम बड़ी हो जाती थी. पिक्चर में आप देखोगे उसकी जो नोज है वो बड़ी दिखाई गई है. फाइनली पिनोकियो साइड, और फिर अंत में उसने क्या कहा पिनोकियो ने, आई एम ग्लैड टू बी अ रियल बॉय, मैं हैप्पी हूँ क्योंकि मैं रियल बन गया हूँ, रियल बॉय. क्योंकि जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, तब मेरी नाक जो है ना वो बड़ी हो जाती है, यानी मुझे हर्ट फील होता है. आई विल नेवर लाई अगेन, आई शैल नेवर लाई अगेन मीन्स मैं कभी अभी झूठ नहीं बोलूँगा. क्योंकि उसको रियलाइज़ होता है कि जब भी मैं झूठ बोलता हूँ ना, तो मेरी नाक जो है ना वो बड़ी हो जाती है, यानी मैं कुछ गलत करता हूँ वो मुझे फील होता है.
So this is the story. I hope you understood. It is very funny story and it is very short story. Now we will see the meaning words of this poem. New words. Carpenter means जो furniture का काम करता है. Carpenter जो wooden furniture बनाता है. Queer means strange, अजीब. Flail means it is a tool used by carpenter जो कोई भी wood का जो piece है, wood के ऊपर अगर उसका जो उसको polish करना है या उसको एकदम प्लेन करना है, यानी उसको वुड को एकदम क्लीन करना है, तो ये प्लेन का यूज़ होता है. पजल्ड मीन्स कन्फ्यूज्ड. पपेट मीन्स इट इज़ अ टॉय दैट मूविंग विथ अ स्ट्रिंग. टुक शेप. टुक शेप मीन्स उसको जो शेप दिया जाता है. अमेज्ड मीन्स सरप्राइज्ड. फिनिश्ड मीन्स जो काम पूरा हो जाता है उसको बोलते हैं फिनिश्ड. Stiff means strong and decided means to make a decision, यानी कुछ भी decide करना. So these are the new words and in the next video we will see the meaning words of this chapter. Thank you.